कुंभ राशि, बुरे कर्मों का चिट्ठा खुल जाएगा, दिल और दिमाग काम नहीं करेगा, जल्द इस वीडियो को देखिए। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको आपके आने वाले दिनों में आपके कर्मों का चिट्ठा किस तरह से खुल जाएगा उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। साथ ही साथ आपका सामान्य राशिफल कैसा रहेगा, कौन से बातों का ध्यान रखना है, आपका धनराशिफल, लव राशिफल, करियर राशिफल और आपका स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा, हर एक बात को विस्तार से वीडियो में बताएंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और भोलेनाथ जी का आशीर्वाद चाहते हैं तो कमेंट में प्यार से जय भोलेनाथ जी लिखना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत ही अच्छा दिन रह सकते हैं। आपकी खुश मिजाजी ही आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करेगी। आपको सलाह है कि शराब सिगरेट जैसी चीजों पर पैसा खर्च बिल्कुल भी ना करें। ऐसा करना आपके स्वास्थ्य को तो खराब करता ही है, आपकी आर्थिक स्थिति भी इससे बिगड़ती है। आपका मजाकिया स्वभाव सामाजिक मेलजोल की जगहों पर आपकी लोकप्रियता में इजाफा करेगा। आपके प्रिय के साथ कुछ मतभेद उभर सकते हैं, साथ ही अपने साथियों को अपना नजरिया समझाने में भी तकलीफ महसूस हो सकती है। फिर भी आपका साथी है, हर एक प्रॉब्लम में एडजस्टमेंट आप जरूर करेगा। इस राशि के जातक खाली वक्त में किसी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम, जो भी समस्या आ रही है उसका हल निकालने की कोशिश करती रहेगा, क्योंकि जीवन एक ऐसा राह है जहाँ पर प्रॉब्लम सुख दुख आते रहते हैं, तो प्रॉब्लम में हमें रुकना नहीं है, उसको हल करके आगे निकलना है। पड़ोसियों का दखल शादीशुदा जिंदगी में दिक्कत पैदा करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आप व आपके जीवन साथी के बीच का बंधन बहुत मजबूत है, इसे तोड़ना आसान नहीं है। आपका मन धार्मिक कार्यों में रमेगा जिससे आपको मानसिक शांति का अनुभव होगा। तो अब बात करते हैं आपका सामान्य सा राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। ठूस ठूस कर खाने और ज्यादा कैलोरी की चीजें खाने से बचेगा, क्योंकि क्या होता है, ज्यादा कैलोरी यानी कि फास्ट फूड्स, बाहर का जो भी खाद्य पदार्थ जो रहते हैं उनको खाने से आपके अंदर फैट की जो प्रमाण है बढ़ने लगती है और उससे बहुत सारे रोग उत्पन्न होने लगते हैं। बैंक से जुड़े लेन देन में काफी सावधानी बरतने की जरूरत है। रिश्तेदारों से अचानक तोहफा मिल सकता है, लेकिन पूरी संभावना है कि वे इसके बदले में आपसे कुछ चाहते हो। बेवजह का शक रिश्तों को खराब करने का काम करता है। आपको अपने प्रेमी पर शक बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि किसी बात को लेकर आपके मन में उनके प्रति संशय है तो उनके साथ बैठकर हल निकालने की कोशिश करेगा। आपको रिश्तों की अहमियत का अंदाजा हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर समय आप अपने परिवार के लोगों के साथ बिताएंगे। अगर आप अपने जीवन साथी की छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करेंगे तो उन्हें बुरा लगना शुरू होगा। इस सप्ताहांत में आप काफी कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप काम टालते रहेंगे तो खुद पर ही खींच पैदा होने लगेगी। तो चलिए अब बात करते हैं आपको कौन से बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में। कार्य में मिली सफलता आपको यात्रा का मौका दे सकती है। पिता जैसा कोई व्यक्ति, बॉस या अन्य आपको यात्रा में कंपनी दे सकते हैं। कुछ जटिलताओं का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन नई संभावनाओं का मजा जरूर लिया करेगा। आपके विश्वासों को चुनौती दी जा सकती है और सुधारा भी जा सकता है। आप सभी नए अवसरों को पाने के लिए तैयार रहेंगे। आपका साफ दृष्टिकोण मेहनत और ऊर्जा के साथ मिलकर जीवन को नया मतलब प्रदान करेगा। नए और बड़े लक्ष्य पाने के लिए आत्मविश्वास से मेहनत करना सीखिएगा। आपका खुश रहना ही आपका बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा है। कितनी भी प्रॉब्लम हो, संकट हो, चेहरे पर एक मुस्कान जरूर रखिएगा, उसे आपके बुरा चाहने वाले यानी कि आपके दुश्मन उससे ही रो पड़ेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं आपका धन और करियर राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। आपकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक बनी रहेगी, इस बात से संतुष्ट रहिए। मतलब ये कि
आज ना कोई नुकसान ना कोई बड़ा फायदा, लेकिन खुश रहने के लिए इतना क्या कम है। आज के दिन यानी कि आपको ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा या फिर ज़्यादा फायदा भी नहीं होगा, मीडियम रहेगा। अगर आपका अपना व्यवसाय है तो आज का दिन आपके लिए है। आज के दिन आप अपने व्यवसाय में कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। जो काम हाथ में है वह तेजी से हो रहा है और नया काम भी आएगा। अगर आपकी राजनीतिक पहुंच है तो समझिए आपको बड़े फायदे का कोई बड़ा काम हाथ लगने वाला है, उससे आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर हम लव राशिफल की बात करें तो अकेले लोगों को एक दूसरे से मिलने और मस्ती भरा समय बिताने का पूरा योग बन रहा है। दोस्तों कहीं बाहर घूम फिर कर आएगा और उस समय को यादगार बनाएगा, यानी कि कुछ अलग कुछ अच्छा क्या तो करेगा। भले ही रिश्ता जीवन भर का ना हो, लेकिन नए दोस्त बनाने का अवसर खोने से क्या फायदा। जीवन है, इसमें नए नए दोस्त बनाए, नए नए लोगों से मिलेगा, उनसे अपने भविष्य की बातें शेयर करेगा, अपने करियर के लिए अच्छी सलाह लिया करेगा, इससे आप आगे आसानी से बढ़ सकते हैं। अगर आप अकेले माता पिता है और अपने बच्चों के लिए पार्टनर की खोज में हैं तो आज सफल हो सकते हैं। यूं तो आप इस मोर्चे पर नाकाम रहे हैं, पर आज अंत आपको अनुकूल पार्टनर मिल ही जाएगा। आखिर में बात करते हैं आपका स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। दोस्तों बाकी और दिनों के मुकाबले आज के दिन जो कि आपको कम भूख लगेगी। हो सकता है यह ज्यादा तनाव की वजह से हो रहा हो। दोस्तों ज्यादा तनाव बिल्कुल भी ना ले। दिमाग पर ज्यादा तनाव देने से आपके बाकी काम अच्छी तरीके से नहीं होंगे और उसका असर आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। दोस्तों कुछ भी हो, एक तो खाना पीना ना छोड़े और व्यायाम योगा जरूर करें। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खाना पीना और व्यायाम योगा होना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आपका कुंभ राशिफल रहने वाला है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करेगा, दोस्तों के संग शेयर करेगा और हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। इस चैनल पर आपको हर रोज इसी तरह राशिफल के रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती है, जिससे कि आने वाले दिनों के बारे में आप पहले से अच्छी तरह अनुमान लगा सकते हैं। दोस्तों आपके जीवन में आ रहे सभी प्रॉब्लम परेशानियों का समाधान अगर आप हमसे डायरेक्ट संपर्क करके जानना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ शादी में आ रही दिक्कत प्रॉब्लम, शादी कब कहां और किससे होने वाली है, इसके बारे में भी डिटेल जानना चाहते हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है वहां पर कॉल करें अथवा व्हाट्सएप मैसेज करें, रिप्लाई झट से मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।